नहीं थी ये परी। हाय सर। हाय। राम राम। राम राम राम। कैसे हो आप? और नाम क्या? नाम क्या बताऊं सर, अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया है सर, ना कोई काम काज मुझसे होता है सर। बहुत सही बात। बहुत सारी जिंदगी मेहनत की, मजदूरी की, बहुत क्या बताऊं सर, अब मेरा बुढ़ापा आ गया है सर। पहले की तरह खेतों में काम काज नहीं होता है सर, मजबूरी से करना पड़ता है सर, यह पापी पेट पालने के लिए सर। मेरा एक बेटा है सर, वह समझता नहीं सर, मैं कितनों कहता हूँ कुछ नहीं समझता है सर। हर दिन सर छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते रहता है सर, मैं क्या बताए सर। मैं तो दिन भर बोलते रहता हूँ बेटे तुम कोई काम काज करो, नहीं तो तुम्हारा बहुत दासा होगा, क्योंकि बहुत महंगाई जमाना आ चुका है। आप क्या करते हैं? काम को क्या बताऊँ सर, मैं एक किसान हूँ सर। आप किसान हैं? हाँ सर, मैं किसान हूँ सर, बहुत मेहनत मजदूरी करता हूँ सर। क्या बात है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब देश के अन्नदाता किसान है हमारे। लग तो बहुत अच्छे रहे हो और इतनी दूर भी आए हो, तो हमारी मतलब दिल से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सर। चलिए आइए। ओ वाओ, आपके साथ आए हैं? जी सर, मैं उसे साथ में लाया हूँ सर। अच्छा। जी सर, बुलाता हूँ सर, बुलाता हूँ। अरे सावन, अंदर आजा। हाँ पापा, आ गया हूँ पापा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए सर, यह मेरा बेटा जवान अठा खटा है, शेर की तरह है सर। कुछ बोलना चाहते हो तुम बेटा? जी पापा। क्या बताऊँ सर मैं अपने बारे में सर, मैं बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ सर। मेरे पापा जी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं सर, मुझे हमेशा जलील डराते हैं, धमकाते हैं, दिन भर सर मुझे वही करते रहते हैं सर, हमेशा हंसते रहते हैं सर। गांव के लोग जानबे करते हैं सर, कोई आदमी कलाकारी क्षेत्र में जाता है सर, उसे बहुत लोग हंसी मजाक उड़ाता है सर। उसी तरह से गांव समाज के कुछ लोग मेरे पापा जी के पास जाकर बोलते, अरे तुम्हारा बेटा जो खराब हो गया, भर दिन सिंगिंग करते रहता है, गाना गाते रहता है, उसे समझाओ। तो सर वाह, मेरे पापा जी ने मुझे बहुत बोलते हैं सर, डांटते हैं सर, लेकिन मैं कसम खाया हूँ सर, मैं एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ सर। अब बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा सर, मेरे पापा जी का नाम पूरा जग में करूंगा सर। अरे रुक रुक रुक, हमको बोलने दो जरा। जी पापा। बहुत सारे लोग कहता था कि तुम्हारा बेटा खराब हो गया, वह नहीं सुधरेगा। तो सर मैंने एक दिन मेरा बेटा का गाना सुना सर, सुनकर सर क्या बताएं सर, सच बोल रहा हूँ सर, इतना अच्छा लगा कि मैंने उसी दिन मैंने मने मन मेरा बेटा के लिए शपथ खा लिया सर, कि मैं एक दिन मेरे बेटा को मैं मुंबई लेकर जाऊंगा इंडियन आइडियल में, और ज़रूर गाना गाऊंगा। क्योंकि सर मैं जानता था कि मेरा बेटा का आवाज बहुत अच्छा है, लोग कह रहा है तो कहने दीजिए, अंदर ये उसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैंने इंडियन आइडल में लेके आया हूँ सर, तो प्लीज मेरा बेटा की आवाज एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए सर, इसीलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ सर। ये पोटली में क्या लाए हैं? मैम, इस बोतली में सत्तू है, जो मैं सत्तू पीकर आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और पापा हम जो ऑडिशन देकर बाहर जाकर मैं सत्तू पी लूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा। मैम प्लीज मैम, मुझे एक बार मौका दे दीजिए मैम, मैंने बहुत आशा लगाकर आपके कदमों के नीचे आया हूँ मैम, प्लीज सर। अब मेरा बेटा गाएगा सर, प्लीज सर आप लोग मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए कि अच्छा से गा दे सर। मैं दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको अच्छा गवा दिया। ओके सर, ओके सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना, और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। क्या गाना गाने वाले हैं? अच्छे से गाना बेटा, अच्छा से गाऊंगा पापा, आप चिंता मत करो पापा। और इतनी दूर भी आए हो, तो हमारी मतलब दिल से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। ओके सर, जरूर सुनते हैं। कम ऑन ब्रदर, गुड। इट्स अ गिफ्ट प्रेशन, आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा, जिंदगी भर भी नहीं कर पाऊंगा। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं
ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आई डोंट थिंक आई एम कैपेबल। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता क्या है? सनी तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय। बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। अर्धांगनी बिना रही, एक एक रतन लुटा दिया। इतने बड़े त्याग से हैरान कर गए अम्बेडकर, औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। कितना दर्द समाज की खातिर वो जर गए। कितना दर्द समाज की खातिर वो जर गए। बच्चे नादान चार थे बेइलाज मर गए। शिक्षित मेरा समाज हो फरमान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। साहब, हमारे बेटे का कल देहांत हो गया। आपको ये खबर देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो बहुत बीमार था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हमारे लिए अपनी पढ़ाई का नुकसान मत करना, तबीयत का ख्याल रखना। यहाँ सभी आपको याद करते हैं। चिंता न की औलाद की, सब कुछ गवा दिया। चिंता न की औलाद की, सब कुछ गवा दिया। लेकिन दलित समाज का रुतबा बना दिया। जी पाए हम भी शान से, संविधान भर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। पूजते अम्बेडकर पहले खबर न ली। अब पूजते अम्बेडकर पहले।
पहले खबर ना ली, जीते जी उस महान की हमने कदर ना की। फिर भी वो राही कौम का सम्मान कर गए, अंबेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए, अंबेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए है, अंबेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। सत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने अनुयायियों के सपने में आते हैं और कहते हैं, मेरे लाडलों, मेरे बच्चों, आज तुम खुशी से झूम तो रहे हो, पर क्या तुमने कभी ये सोचा कि मैं क्या चाहता था? अरे मैं तो तुम्हें दिल्ली के तख्त पर राज करता हुआ देखना चाहता था, पर तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सके, इसका मुझे बहुत अफसोस है। मेरे क्या अरमान थे और क्या हो रहा है? मेरा सपना तो है अधूरा, ओ मेरा सपना तो है अधूरा, मेरे हो कर तो सके ना, मेरे हो कर तो सके ना, मेरे काम को पूरा, मेरा सपना तो है अधूरा, ओ मेरा सपना तो है अधूरा। मैंने सोचा जाग गए हो पर अब तक ना जागे, मैंने सोचा जाग गए हो पर अब तक ना जागे, साल 50 भी बीत रहे हैं फिर भी वैसे ही लागे, आई हो कर आई परी तान रहे हैं पूरा, मेरा सपना तो है अधूरा, ओ मेरा सपना तो है अधूरा। भारत पर तुम राज करोगे ये अरमान ये मेरे, भारत पर तुम राज करोगे ये अरमान ये मेरे, मुझको समझ कर ही ना समझे टूटे भाग तुम्हारे, कर दिया तुमने पूरा, मेरा सपना तो है अधूरा, ओ मेरा सपना तो है अधूरा। पढ़ो लिखो संघर्ष करो और संघटना को बनाओ, पढ़ो लिखो संघर्ष करो और संघटना को बनाओ,
स्वयं प्रकाशित हो करके तुम खुद ही को चमकाओ। जाते ही मेरे नागनाथ तेरे हाथ में आया कटोरा, मेरा सपना तो है अधूरा, वो मेरा सपना तो है।